यूपी प्रशासन अब गाड़ी में हूटर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है, जिसके शिकंजे में अब बीजेपी नेता भी आ गए हैं। बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत संभल की ट्रैफिक पुलिस ने न सिर्फ बीजेपी नेता की गाड़ी से हूटर उतरवाया बल्कि 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार जनपद संभल में गाड़ी पर अवैध रूप से हूटर लगाकर सड़क और हाईवे पर रोप काटने का चालान है, जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों किसान नेताओं की गाड़ी पर लगे हूटर को ट्रैफिक पुलिस ने उतारा था, जिसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस के शिकंजे पर बीजेपी नेता की गाड़ी आई और ये कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि ट्रैफिक पुलिस ने जिस गाड़ी से हूटर उतरवाया है वो गाड़ी पवासा मंडल अध्यक्ष की बताई जा रही है, जिस पर 10,000 रुपए का चालान भी लगाया गया। फिलहाल बीजेपी नेता के गाड़ी से हूटर उतरवाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं।